हेलो डियर फार्मासिस्ट एग्जाम एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीपेट डिस्कशन सेंटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओएसएससी की ओर से आई हुई है फार्मासिस्ट एंड मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की बम्पर वैकेंसी, जिसके प्रिपरेशन के लिए हम यहां पर 2500 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आप आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। यह जो मैराथन सीरीज़ है, जस्ट अकॉर्डिंग टू ओएसएससी फार्मासिस्ट की जो सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर हमने डिज़ाइन की है, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिल सके अपने प्रिपरेशन में। तो चलिए, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी से कुछ एमसीक्यू, जिसके एग्ज़ाम में आने के मैक्सिमम चांस हो। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पाएंगे, पॉपुलेशन बिंग्स टू डिक्लाइन एज बर्थ रेट इज लोअर देन डेथ रेट इन व्हाट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल। ठीक है, इट मीन्स ये क्वेश्चन मेनली कहाँ से आया है, आपके डेमोग्राफिक साइकिल पॉपुलेशन की, जिसमें हम स्टडी करते हैं। ये जो आपका डेमोग्राफिक साइकिल लिखा है, मीन्स ये कहाँ से आया है, डेमोग्राफी वर्ड से आया है। और ये ऐसा साइंस होता है जहाँ पर हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं पॉपुलेशन रिगार्डिंग, उसको हम क्या कहेंगे, डेमोग्राफी कहते हैं। तो ये जो साइकिल है, डेमोग्राफिक साइकिल, इनके बारे में मैं अच्छे से आपको यहाँ पर समझाऊंगी, जिससे कि इसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप आसानी से इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, मेनली यदि हम बात करें इसको, आपको फाइव स्टेज होते हैं डेमोग्राफिक साइकिल के, फाइव स्टेज होते हैं। तो उसको कैसे याद रखेंगे, फाइव हेल डी कहते हैं ना, गो टू हेल, तो आपको हेल से याद रखना है, हेल डी। ठीक है, हेल डी से आपको क्या याद रहेगा, अब इनके पूरे साइकिल याद रहेंगे, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर पूरे इनके साइकिल को। अब देखिए क्या होगा, फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज में क्या है कि जब बर्थ रेट और डेथ रेट, देखिए अब पॉपुलेशन कैसे हम स्टडी कर पाएंगे, जब बर्थ और डेथ रेट दोनों को स्टडी करेंगे, है ना, इनका जो मेज़र है उन्हीं लेंगे, तभी जाकर हम लोग ये जो साइकिल है उसे स्टडी कर पाएंगे, है ना, जो डेमोग्राफी उसे मेज़र कर पाएंगे। तो अब देखिए इस स्टेज में क्या होता है, ये जो बर्थ रेट है और ये जो डेथ रेट है, दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहता है। ठीक है, दोनों ही इक्वल रहेगा, इसीलिए देखिए ये जो एच से आप क्या समझेंगे यहाँ पर, हाई स्टेशनरी फेज। ठीक है, स्टेशनरी मीन्स क्या है, दोनों ही इक्वल है। ठीक है, एक ही स्टेज में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी। ठीक है, तो हाई स्टेशनरी फेज मीन्स दोनों ही हाई है, बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, है ना। अब दोनों ही इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों स्टेशनरी हो जाएगा, मीन्स पॉपुलेशन में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, पॉपुलेशन में कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं आएगा। अब यदि हम बात करते हैं इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे फिर क्या होते गया, जैसे कि हम कह सकते हैं, अब इसका एग्जांपल ही ले लीजिए, फर्स्ट स्टेज का एग्जांपल क्या होगा, ये जो आपका इंडिया, इंडिया कब था ऐसा, इंडिया 1920 की बात करें तो इंडिया इसी स्टेज में था, फर्स्ट स्टेज में। अब यदि फिर धीरे धीरे क्या होते गया, जैसे मेडिसिंस हो गए, हेल्थ केयर सिस्टम है, वो सब क्या होते गए, अच्छे से ग्रोथ करते गए, तो डेथ रेट है वो क्या होते गया, कम होते गया, है ना। अभी क्या है, देखिए डेथ रेट ये आप समझ लीजिए, ये आपका क्या है, डेथ रेट, और यह बर्थ रेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते जाएगा, डेथ रेट कम हो गया, पर आपका बर्थ रेट तो वैसे ही है ना, बर्थ रेट तो कुछ नहीं हो रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं, पर डेथ रेट कम होते गया, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ सिस्टम अच्छे से बढ़ता गया। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन तो इंक्रीज होगा, डेथ रेट कम हो गया, मीन्स पॉपुलेशन, ये जो आपकी कर्व जा रही है वो पॉपुलेशन को इंडिकेट करेगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होते गया, अब क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद ये जो आपका होगा वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेट। ठीक है, अर्ली एक्सपेंडिंग, ई फॉर अर्ली आपको याद रखना, एक्सपेंडिंग मीन्स बढ़ता जा रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, एक्सपेंड होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है क्या, पॉपुलेशन। तो ये क्या हो गया, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेट। फिर क्या आएगा आपका, लेट एक्सपेंडिंग स्टेट। ठीक है, एल फॉर, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका डेथ रेट है वो भी कम है और बर्थ रेट अब कम होना स्टार्ट हो जाएगा, पर भी जब बर्थ रेट कम होगा, ठीक है, बर्थ रेट कम होगा तो भी इसे अभी भी क्या है, आपके डेथ रेट से वो ज़्यादा ही रहेगा, है ना, क्योंकि डेथ रेट तो पहले ही कम होने लग गया था, तो अब बर्थ रेट जाके कम हुआ तो क्या हो जाएगा, दोनों ही अब फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे, तो लेट एक्सपेंडिंग स्टेट में भी क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज ही रहेगा। अब फोर्थ में आएंगे, फोर्थ क्या रहेगा आपका, फिर से ये स्टेशनरी फेज आ जाएगा। ठीक है, लेट स्टेशनरी फेज, क्यों कहेंगे इसको लेट स्टेशनरी फेज, क्योंकि देखिए बर्थ रेट फिर से कम होने लग गया था, है ना, तो बर्थ रेट कम ही होने लग गया है, अब डेथ रेट तो कम हो रहा था पर बर्थ रेट भी कम होने लग जाएगा, तो इस स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में फिर से यहाँ पर आप देखेंगे लेट स्टेशनरी, स्टेशनरी मीन्स फिर से ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
उसके बाद क्या होगा, डी फॉर डिक्लाइनिंग स्टेज। डी फॉर क्या हो जाएगा, ये डिक्लाइनिंग स्टेज रहेगा, जहां पर क्या होगा, ये बर्थ रेट पूरी तरीके से कम होता जाएगा, जिससे कि डेथ रेट से भी ज्यादा ये कम हो जाएंगे। इट मीन्स देखिए ओवरऑल बताएं तो यहाँ पर हाई स्टेशनरी फेज है, जहां पर दोनों ही चीजें हाई रहेंगी, बर्थ और आपका डेथ दोनों ही क्या होंगे, यहाँ पर इक्वल रहेंगे। अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में क्या होगा, यहाँ पर धीरे से बर्थ रेट तो क्या है वही है, पर जो आपका डेथ रेट है वो कम होता जाएगा, जिससे कि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, एक्सपेंड हो रहे हैं, मीन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है पॉपुलेशन। अब लेट क्या है यहाँ पर, एक्सपेंडिंग स्टेज, ठीक है। लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में क्या होगा, यहाँ पर भी पॉपुलेशन तो इंक्रीज होगी, पर बर्थ रेट क्या होने लग गई है, कम होने लग गई है, और जो आपका डेथ रेट था पहले से ही कम हो रहा था, पर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब डेथ रेट है वो कम ही रहेगा एज कम्पेयर बर्थ रेट, तो यहाँ पर पॉपुलेशन अभी भी इंक्रीज है। उसके बाद क्या हुआ, अब बर्थ रेट कम होना स्टार्ट हुआ था, तो कम होते ही गया और डेथ रेट तो उसी इक्वल स्टेज में चल रहा है, तो यहाँ पर फिर से स्टेशनरी स्टेज आ जाएगी, ठीक है। जहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों ही लो रहेंगे, बर्थ भी लो रहेगा और जो डेथ है वो भी लो रहेगा, जैसे कि हाई में दोनों इक्वल थे वैसे लो में दोनों इक्वल है, पर दोनों क्या है, लो में है। अब उसके बाद आ जाएगा डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन में क्या होगा, जो आपका डेथ रेट था वो तो क्या था, कम हो रहा था, है ना, और बर्थ रेट तो पूरी तरीके से गिर रहा था, तो वैसे ही क्या होगा, बर्थ रेट बहुत ही कम हो जाएगा और डेथ रेट वही इक्वल रहेगा। इट मीन्स यहाँ पर डेथ रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा बर्थ रेट से, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्लाइनिंग स्टेज कहलाएगा। ओके चलिए, तो अब हम लोग देखते जाते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया था। यहाँ पर दिया गया था पॉपुलेशन बिंग्स टू डिक्लाइन एज बर्थ रेट इज लोअर देन डेथ रेट, जब क्या हो, बर्थ रेट कम हो जाए किससे, डेथ रेट से, तो वो स्टेज क्या कहलाएगा, वो आपका डिक्लाइन स्टेज होगा, है ना, जब बर्थ रेट कम हो जाता है डेथ रेट से। तो ये कौन सा स्टेज है, ये फिफ्थ स्टेज होगा, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फिफ्थ स्टेज, डिक्लाइनिंग स्टेज। ओके ठीक है, यहाँ पे क्लियर है चीज़ें, ये पांचों आपको इस ट्रिक से याद रखना है और इससे क्वेश्चन आते ही हैं हमेशा ही, ठीक है। अब यदि बात करें, ऐसा भी पूछा जाता है कि इंडिया कौन से, क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हैं ना, तो इंडिया के बारे में एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। तो देखिए इंडिया की बात करें, अभी के स्टेज में इंडिया कहाँ पर है, तो वो थर्ड स्टेज में है, ठीक है, थर्ड स्टेज में है, ये याद रखिएगा। ओके चलिए, तो नेक्स्ट चलेंगे, ये पूरा ग्राफ मैंने आपको बतला दिया, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। अमोंग द गिवन विच इज कंसाइडर्ड एज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन का इसमें से इंडिकेटर कौन है। ओके बैसिलस है, क्लॉस्ट्रिडियम है, इस्टिरिशिया कोलाई है, एंड सुडोमोनास है। तो इस्टिरिशिया कोलाई है जो भी बैक्टीरिया है, जो कि क्या है, वाटर पॉल्यूशन का मेनली काउज ये होती है, ठीक है। अब जानते हैं आप क्लॉस्ट्रिडियम से क्या होता है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, है ना। तो ये जो आपका इस्टिरिशिया कोलाई है, जो कि आपके इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है, ये वाटर पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। इंडिकेटर यदि हमें चाहिए कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें, तो वो है आपका इस्टिरिशिया कोलाई के प्रेजेंस से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें क्या हो जाएगा, जब इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, तो मीन्स वाटर पॉल्यूशन यहाँ पर है, ठीक है। आगे बढ़ें, हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ, हेल्थ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, कंडीशन फ्री फ्रॉम डिसीज, सोशल वेलबींग एंड इकोनॉमिक वेलबींग। तो आपको जरूर से यहाँ पर डाउट हुआ होगा कि कंडीशन फ्री फ्रॉम डिसीज ही कहलाएगा हेल्थी रहना, बट नहीं, देखिए पूछा गया है हेल्थी मीन्स, और ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं फिजिकल, मेंटल और सोशल, मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास कोई भी डिसीज नहीं है, हम पूरे फ्री हैं डिसीज से तभी हम हेल्थी हों। जब तक फिजिकली, मेंटली, ठीक है, और सोशली हम अच्छे से ना रहें, वेलबींग ना रहें, तब तक वो पूरा हेल्थी नहीं कहलाएगा। तो हेल्थ की यदि हम लोग एक्चुअल में हेल्थ की यदि डेफिनेशन की बात करें, तो जब फिजिकली, मेंटली और सोशली हम वेलबींग होते हैं, तब जाकर वो क्या कहलाएगा, एक हेल्थी कंडीशन कहलाती है। ओके तो ये मेनली हेल्थ के जो डेफिनेशन है उससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि HACCP में मेनली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो आपके इन्वायरमेंटल से हो, ठीक है, जनरल सोशल जो आपके हेल्थ कंडीशन है उनसे क्वेश्चन आते हैं, तो यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये जरूर से पूछे जाते हैं हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नेक्स्ट चलेंगे, द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड, ठीक है। अब देखिए इस प्रॉब्लम को क्या कहेंगे, जब न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग जब हो जाए, जैसे कि हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे लिखा है ना न्यूट्रिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स,
जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसमें जो प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं, ठीक है, ये सारे जो प्रॉब्लम आएगी उन्हें हम क्या कहेंगे। तो दिया गया है माल न्यूट्रिशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन, इनसॉल्युबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन, बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो बैलेंस बतलाता है, पहले बताइए, जो बैलेंस को मेजर करेगा कि न्यूट्रिएंट्स जो हमें हमारी बॉडी को कितना न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है और कितना हमें गेन हो रहा है, मीन्स मिल रहा है, वो क्या कहलाएगा, वो आपके माल न्यूट्रिशन कहलाती हैं, ठीक है। मीन्स ये जो प्रॉब्लम होंगी न्यूट्रिएंट में, कितना जो आपके न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारी की प्रॉब्लम हम माल न्यूट्रिशन इनको कहते हैं, ठीक है। और इनसे भी आते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। माल न्यूट्रिशन इज एन इम्बैलेंस बिटवीन द न्यूट्रिएंट्स योर बॉडी नीड्स टू फंक्शन एंड द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इट मीन्स जो आपका इम्बैलेंस हुआ है, यदि जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है न्यूट्रिएंट्स उतना आपकी बॉडी को नहीं पहुंच रही है, ठीक है, जो फंक्शन के लिए रिक्वायर हो, तब उसको हम क्या कहेंगे, माल न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, ठीक है, जैसे हमने अभी वाटर पॉइजनिंग का इंडिकेटर देखा था, है ना, जो कि क्या था, एस्चेरिचिया कोलाई। अब देखिए दिया गया है फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग का जो कारण है वो कौन सा बैक्टीरिया कह सकते हैं, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, साल्मोनेला टाइफी, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी एंड क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम। तो आपको पता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी का क्या कारण है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी से क्या होता है, तो टिटैनस, है ना, और साल्मोनेला टाइफी से क्या होता है, टाइफाइड, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी से क्या होता है, डिप्थेरिया, है ना। तो बचा क्या आपका, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम बचा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यही मेनली फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जो बैक्टीरिया है वो मेनली फूड पॉइजनिंग कराते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कॉल्ड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मीन्स जैसे कि यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि आप जैसे हॉस्पिटल गए हैं, ठीक है, आपको था कुछ दूसरा इन्फेक्शन कह सकते हैं, सपोज करिए आपको था हेड पेन जिसके लिए आपने गए हैं हॉस्पिटल, पर वहाँ के इन्वायरमेंट से, ठीक है, वहाँ के इन्वायरमेंट में बहुत से, आप जानते हैं अब हॉस्पिटल है तो ऑलरेडी कोई भी दूसरे पर्सन आए होंगे जिनको क्या होगा, कफ है या फिर कह सकते हैं कोल्ड है, तो उनके वायरस आप तक जाने के चांसेस हैं, है ना, है कि नहीं, बताइए, ऑब्वियस ही बात है। तो इसीलिए ये जो आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस है वो क्या, जो हॉस्पिटल के जो केयर है उनसे हो, तब उसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। साथ ही साथ इनको क्या कहा जाता है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नोसोकोमियल इन्फेक्शन किसे कहते हैं, जो कि हेल्थ केयर एसोसिएशन मीन्स जो हॉस्पिटल वगैरह जब हम गए हैं उसमें जब हम पहुंच रहे हैं, मीन्स जब जैसे हमारा दूसरा ही प्रॉब्लम था, ठीक है, बट हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट के कारण, वहाँ के बहुत बैक्टीरिया वायरस के कारण जब हमें और कोई दूसरा इन्फेक्शन हो जाए तब उसको हम नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड एंटी रेचिटिक विटामिन, ठीक है, एंटी रेचिटिक मीन्स जो कि रिकेट्सिया से क्या करें हमें, मतलब कि रिकेट्सिया के ट्रीटमेंट में हो या फिर इनकी डेफिशिएंसी से रिकेट्सिया काउज हो, है ना। ऑप्शन से विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन डी है एंड विटामिन ई है। तो किसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्सिया होता है, तो है विटामिन डी, ठीक है, विटामिन की डी की, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्सिया होता है, है ना। तो जो एंटी रिचेटिक या एंटी रेचेटिक विटामिन कहेंगे वो क्या होगा, विटामिन डी होगा, ठीक है। और आपको पता है विटामिन ए किस लिए होता है, रेटिना, रेटिना में यदि क्या है, जैसे जिरोप्थेलमिया, इन सब के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है विटामिन ए। और विटामिन बी के तो बहुत सारी पूरी ग्रुप है, है ना, अलग अलग की अलग अलग यूजेस हैं, है ना। अब जैसे कि विटामिन डी का आपको हमने बता ही दिया कि क्या एंटी रेचेटिक विटामिन है, और विटामिन ई, विटामिन ई को क्या कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, जो कि क्या है, रिकेट्सिया, जो कि मेनली चिल्ड्रंस में होता है, है ना, विटामिन डी की कमी से। तो इसको याद रखिएगा, ओके। और जिनको भी ओएसएससी फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो ज़रूर से आप लोग हमारी क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, ई नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये पूरी ही आपके ओएसएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन की गई है, जैसे कि फार्मा सिलेबस आप देख पा रहे हैं ना, प्रैक्टिकल स्किल्स, अरिथमेटिक, इंग्लिश, इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर स्टडी कराई जाएगी, जिसके लिए आप जीडीसी क्लासेस आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो यहाँ पर से जाकर आप कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
फोर्थ स्टेज ऑफ लो स्टेशनरी स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज कैरेक्टराइज बाय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अभी जस्ट हमने फर्स्ट में बहुत ही अच्छे से इसको स्टडी किया, आई थिंक अब आपको इसका आंसर आप खुद से दे पाएंगे क्योंकि वहाँ पर हमने ग्राफ देखकर बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया। तो इसका आंसर आपको खुद ही देना है कि फोर्थ स्टेज में जिसको हम लो स्टेशनरी स्टेज कह रहे थे, जहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट का क्या कुछ इक्वल था, ये आप लोग आंसर करके कमेंट करके जरूर से आंसर करिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसका आंसर आपको खुद ही करना है, जरूर से आप लोग को सभी को यहाँ पर इसका कमेंट करना होगा। ओके आगे चले, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, देखिए ग्लाइसेमिक वर्ड को ही पहले सुनिएगा, ग्लाइसेमिक वर्ड यहाँ पर आपको कुछ ग्लूकोज जैसा नजर आ रहा है, ठीक है। ग्लाइस से आपको क्या याद रखना है, ग्लूकोज याद रखना है भाई। अब देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का शुगर ही है ना, शुगर कंटेंट ही है। तो ये जो आपका शुगर के इंडेक्स को है ना, हाई इंडेक्स जो है शुगर का, उस वो क्या बतलाएगा यहाँ पर, मीन्स शुगर वाले जो फूड होंगे उसी में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा, है ना। जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बहुत अमाउंट में रहेंगे उनका जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड वो होंगे, है ना। जैसे वेजिटेबल, ब्राउन राइस दिया है, होल ग्रेन दिया है और सिरपी फूड दिया है। तो देखिए अब मैंने क्या बताया कि शुगर कंटेंट वाले, है ना, शुगर वाले जो, शुगर कंटेंट वाले जितने भी जो आपके फूड होंगे उनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई रहेगा। और शुगर किस में ज़्यादा रहता है, जितने भी सिरपी फूड है, सिरप किससे बनता है, शुगर से ही, है ना। तो जितने भी सिरपी फूड हैं उनमें क्या होगा, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये होंगे। ओके बस वही चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया, ये पूरी उसी प्रकार से दी गई है। आगे बढ़ते हैं, पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नैक आर होमोलॉगस टू, ठीक है। पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नैक कहाँ पर होता है, पॉइजन जो सांप की, देखिए ये सारे क्वेश्चंस किसके हैं, फर्स्ट एड के, याद रखिए, है ना। हम लोग यहाँ पर फर्स्ट एड, डेमोग्राफिक साइकिल, है ना, इन्हीं से मेनली क्वेश्चन आज का जो पार्ट है वो रहने वाला है। तो पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक आर होमोलॉगस टू दिया गया है। तो जो आपके स्नेक है उनका जो जो पॉइजन ग्लैंड होता है वो किस टाइप से होता है, उनका जो डिज़ाइन है कह लीजिए, है ना, या स्ट्रक्चर कैसा होता है ये दिया गया है, है ना। तो उनका जो मेनली होता है वो कैसा होगा, स्लाइवरी ग्लैंड वर्टिब्रेट्स की जैसे ही होता है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन में वर्टिब्रेट्स में है वैसे ही जस्ट क्या होते हैं, उनके भी स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं। जैसे कि मैं आपको इमेज में दिखलाऊंगी तब आपको अच्छे से और भी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर उनका क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड होगा, जैसे कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे उनमें प्रेजेंट होता है, जस्ट वैसे ही उनमें भी होता है। तो मीन्स होमोलॉगस होता है वर्टिब्रेट्स के सलाइवरी ग्लैंड से, जो उनका क्या है, जिससे कि वो स्नैक के पॉइजनस ग्लैंड है। ओके अब देखिए नेक्स्ट चलेंगे, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर शॉक, ठीक है। यदि शॉक है, शॉक हुआ है, तब फर्स्ट एड कौन कौन से आपको यूज़ में करने चाहिए। देखिए आप फार्मासिस्ट बनने वाले हैं तो आपको फर्स्ट एड से क्वेश्चन ना आए ऐसा शायद ही होगा, है ना। तो फर्स्ट एड में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है, जैसे कि रीशोर द पेशेंट, है ना, लूजिंग द क्लॉथ ऑफ विक्टम एंड राइज द लेवल ऑफ लेग, ऑल ऑफ दिस। तो क्या करना चाहिए, जब कभी भी शॉक की कंडीशन हो किसी भी पेशेंट को तो उनको रीश्योर करना चाहिए पेशेंट को, है ना, और साथ ही साथ उनके जो क्लॉथ्स हैं उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा लूज करना चाहिए, है ना, जिससे कि टाइट उनको फील ना हो। और उनका जो लेग है उनको बॉटम से, ठीक है, जो अर्थ है मीन्स बॉटम से उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर उठाकर रेज करके रखना, 6 से 12 इंच जो है वो फुट को ऊपर करके रखना चाहिए। ये सारे क्या है, कुछ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है किसके लिए, शॉक के लिए, ठीक है, जिसमें लूज करना चाहिए क्लॉथ को, ठीक है। साथ ही साथ अलर्ट होना चाहिए कि उनको वोमिटिंग हो सकती है, है ना, और साथ ही साथ उनका जो हेड है उनको वाटर से वॉश भी कर सकते हैं, है ना, ताकि उनको थोड़ा सा हल्का फील हो। तो ये सारे क्या है, बेसिक से फर्स्ट एड के हैं, शॉक के। नेक्स्ट चलेंगे, नोटिसेबल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ थर्ड डिग्री बर्न, ठीक है। थर्ड डिग्री बर्न में क्या कुछ कैरेक्टर होते हैं इनके बारे में देखते हैं। ऑप्शंस हैं बर्न स्किन, वेरी लिटिल और नो पेन, बर्न स्किन एंड पेन और ब्लिस्टर एंड पेन एंड रेडनेस कपल्ड विथ पेन। तो क्या होता है थर्ड डिग्री बर्न, तो मेनली तीन टाइप के बर्न होंगे आपके, है ना, डिग्रीज की बात करें तो। जैसे कि आपका लेयर है, तो जब कभी भी डर्मिस लेयर में यदि सबसे ऊपर की लेयर होगी उसको हम क्या कहेंगे, ऊपर की लेयर यदि सिर्फ डैमेज होती है बर्न से तो उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट स्टेज। उसके बाद आएगा आपकी एपिडर्मिस, वो यदि डैमेज होती
होती है तो उसको सेकेंड स्टेज कहेंगे। उसके बाद जो आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो यदि डैमेज हो जाते हैं तो उसको थर्ड स्टेज हम कहेंगे। और देखिए नर्व्स एंडिंग है वो वहीं तक रहेंगे, तो यदि नर्व एंडिंग इसमें डैमेज हो गया तो कोई भी पेन का सेंसेशन नहीं होगा, क्योंकि थर्ड डिग्री बर्न में क्या होता है आपके नर्व्स है वो भी यहाँ तक डैमेज हो जाते हैं, तो नर्व ही यहाँ पे डैमेज हो गए हैं तो कोई इम्पल्स जनरेट होगी ही नहीं पेन की, है ना। तो पेन कोई भी नहीं रहेगा और क्या होंगे मतलब कि पेन बहुत ही कम या लिटिल होता है और बर्न्ट स्किन में, ठीक है, थर्ड स्टेज में यही मेनली इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में क्या हो गया, डर्मिस में क्या दिया गया है यहाँ पर, फर्स्ट स्टेज हो गया यदि ऊपर का ही लेयर आपका यहाँ पर यदि जला तो, सेकंड में एपिडर्मिस है ना, एपिडर्मिस में दिया गया है देख पाएंगे आप लोग जो सेकंड स्टेज यदि यहाँ पर बर्न होता है तो, और थर्ड में यदि आपके सबक्यूटेनियस लेयर तक बर्न हो जाए तब उसको हम थर्ड डिग्री बर्न कहते हैं। आगे चलेंगे, अ कॉमन ऑर्गेनिज्म दैट कॉज मेनिंगाइटिस बिलोंग टू द जीनस, ठीक है, मेनिंगाइटिस कौन से जीनस से होता है, ओके, ये आपके सीएनएस से रिगार्डिंग क्या है, आपके इन्फेक्शन है, ओके, तो मेनिंगाइटिस किससे होता है, कैंडिडा दिया गया है, नाइसेरिया दिया गया है, सुडोमोनास दिया गया है, नॉन ऑफ दिस, तो आपके मेनिंगाइटिस है मेनली नाइसेरिया से होता है, ठीक है, नाइसेरिया से मेनली ये होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है नाइसेरिया मेनिंगाइटिस ये क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे कि क्या होता है सीएनएस, ये मेनली क्या होता है मेनिंगाइटिस सीएनएस रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है, ओके, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा मेनिंगाइटिस को जो कि क्या होता है नाइसेरिया स्पीसीज से होते हैं। आगे बढ़ेंगे, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ मेजरिंग ओबिसिटी इज, ठीक है, ओबिसिटी मीन्स क्या है, मोटापा, है ना, तो उनको मेजर करने के लिए इंटरनेशनली, वैसे तो बहुत से क्राइटेरिया होते हैं इनको मेजर करने के, पर हम इंटरनेशनली की बात करें जो कि ज़्यादातर यूज होता है तो वो है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू क्या किया जाता है, मेनली यहाँ पर हाइट और उनके वेट दोनों को मेजर किया जाता है और उनके अकॉर्डिंग ओबिसिटी इंडेक्स निकाला जाता है, ठीक है, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है, मीन्स हाइट और क्या करेंगे इनके वेट, हाइट और वेट को मेजर को यहाँ पर मेनली किया जाएगा, ओके, तो इसे याद रखिएगा बॉडी मास इंडेक्स या फिर BMI किसके लिए होता है, ये ओबिसिटी के मेजरमेंट के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं, ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस आर यूज टू, ड्रेसिंग और बैंडेजेस क्यों यूज़ किया जाता है फर्स्ट एड में, जब कभी भी आपको कट लग गई है तो इन्फेक्शन ना हो, है ना, वुंड जल्दी हील हो जाए, इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग ड्रेसिंग और बैंडेजेस को। यहाँ पे दिया है देखिए, रिड्यूस द विक्टम पेन्स, है ना, रिड्यूस इंटरनल ब्लीडिंग, हेल्प कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, मेक इट इजियर टू टेक द विक्टम टू हॉस्पिटल। देखिए तो क्या किस लिए करते हैं हम लोग ड्रेसिंग को, मेनली ब्लीडिंग हो रहा है उन्हें रोकेंगे और प्रिवेंट ना हो मतलब कि प्रिवेंट करेंगे इन्फेक्शंस को, कोई इन्फेक्शन ना हो इसके लिए पहले से ही रोक करेंगे, है ना, तो मेनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्प टू कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कह सकते हैं यहाँ पर, ये जो आपका ड्रेसिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ओके, आगे बढ़ेंगे साथ ही चलिए, यदि आपको OSSC के लिए क्या करना है, प्रिपरेशन करना है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दिया जा रहा है, ये जो आपके दो टेस्ट सीरीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे जुडिशियल क्लासेस आप डाउनलोड कर लीजिए, आप टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन हो सकते हैं, है ना, दोनों ही फार्मासिस्ट वैकेंसी के लिए और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर दोनों के लिए ही टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर डिज़ाइन आपको मिलेगी, तो ज़रूर से जुडिशियल क्लासेस ऐप में विजिट करिए, ये फ्री और फ्री टेस्ट सीरीज़ का आप ज़रूर से बेनिफिट यहाँ पर लीजिए। आगे चलते हैं, जिंक ऑक्साइड बैंडेज इज, जिंक ऑक्साइड क्या होता है, जो बैंडेज है उसमें क्या किया जाता है, जिंक ऑक्साइड की परत लगा दी जाती है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं ऊपर से परत लगा दिया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रिग्नेटेड, वहाँ पर अच्छे से वो बाउंड हो जाएगा, है ना, जिससे कि क्या है इन्फेक्शन वगैरह है वो इजिली से यहाँ पर ट्रीट हो पाएंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रिग्नेटेड बैंडेज कहा जाता है जिंक ऑक्साइड। इस प्रकार से देखिए जिंक ऑक्साइड की पूरी लेयर लगी रहेगी किसमें, आपके बैंडेज में, तो उसको इम्प्रिग्नेटेड कहा जाता है, जो पेस्ट पूरी लगी रहेगी, ठीक है, तो इम्प्रिग्नेटेड बैंडेज कहेंगे। आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके, तो देखिए यहाँ पर विटामिन ए दिया है, तो विटामिन ए किसके लिए होता है, मेनली आइज के लिए, है ना, अब विजन के लिए, है ना, अब विटामिन सी किसके लिए होता है, तो इससे इसकी जो डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी, जिसके बारे में हमने बात ही किया कि रिकेट्सिया होता है चिल्ड्रंस में इसकी डेफिशिएंसी से, है ना, तो बचा क्या आपका विटामिन के, है ना, जो कि मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, विटामिन के जितने भी आपके ग्रीनी वेजिटेबल है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं विटामिन के, और मेनली क्या कराता है, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए, क्लॉटिंग फैक्टर है कह सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन के। आगे बढ़े, पिक आउट द
वन फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रेसिंग्स, ठीक है, इनमें से पूरे ड्रेसिंग्स में कौन सा ऑड है, ठीक है, ऑड वन को हमें क्या करना है, पिक करना है। तो यहाँ पर देखिए बैंडेज दिया गया है, सैनिटेशन दिया गया है, एब्जॉर्बेंट दिया गया है और हाउस पावर दिया गया है। तो यदि हम बात करें, अभी हमने देखा था बैंडेज के बारे में, है ना, ड्रेसिंग के बारे में, तो हम क्यों यूज़ करते हैं बैंडेज, ड्रेसिंग, ये सारी चीज़ें, ताकि जो हमारा इन्फेक्शन है, मीन्स जो कट लगा है, वुंड है, वो इजिली से हील हो पाए, ब्लीडिंग ना हो, है ना, जो इन्फेक्शन है उनसे हमें प्रिवेंशन के लिए। तो हम लोग ये सारे जो ड्रेसिंग है उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, बैंडेज को करते हैं, और ये सारे क्या होने चाहिए, सैनिटेशन, मीन्स जरूरी है क्या हो, ये स्टेराइल भी हो, है ना, और एब्जॉर्बेंट, उनमें क्या हो, एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना, जिससे कि क्या हो, जो ब्लीडिंग हो रहा है वो स्टॉप हो सके। तो यहां पर यदि हम बात करें तो ये तीनों वर्ड सिमिलर हैं, और हॉर्स पावर ये क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा यदि ड्रेसिंग की बात करें। तो यही हो जाएगा आपका यहां पर करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, व्हेन द नेचर ऑफ पॉइजनिंग इज नॉट नोन द फॉलोइंग इज गिवन। अब देखिए पॉइजनिंग हुआ है, फर्स्ट एड हमें देना है, और हमें पता ही नहीं है कि पॉइजन में मतलब कौन सा पॉइजन है, तभी तो हम एंटीडोट दे पाएंगे यदि पता हो तो, पर हमें पता ही नहीं है, ठीक है, कि जो विक्टिम है उन्हें कौन सा पॉइजन लिया है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, उस कंडीशन में कौन से एंटीडोट को हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमें यूज़ करना होगा यूनिवर्सल एंटीडोट, ठीक है, जो कि किसी भी टाइप के पॉइजन हो उसके ट्रीटमेंट में यूज़ हो सके, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल एंटीडोट कहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे अब इनका कंपोजिशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आता ही है, याद रखिएगा यूनिवर्सल एंटीडोट की कंपोजिशन है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड और एक्टिवेटेड चारकोल हम का यूज़ करते हैं, जहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड का रेशियो क्या होता है, 1:1, और एक्टिवेटेड चारकोल का क्या होता है, क्योंकि ये एड्जॉर्ब करेगा जो पॉइजन है उसे, है ना, तो ये होता है 2 पार्ट में, ठीक है। तो ये है मेनली इनका क्या कंपोजिशन, इसको ध्यान में रखिएगा जरूर से, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही है, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, द बर्न्स इन्वॉल्व्ड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन आर कॉल्ड डिग्री बर्न्स, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अभी जैसे मैंने आपको पूरे इमेज के साथ बताया था कि बर्न्स में जैसे कि फर्स्ट डिग्री हुआ, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री में क्या होता है, यदि फर्स्ट आपका जो डर्मिस लेयर यहाँ पर बर्न हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट डिग्री का बर्न कहेंगे, यदि आपका एपिडर्मिस लेयर भी क्या हो गया, बर्न हो गया, तब उसको हम क्या कहेंगे, उस स्टेज को फिर हम लोग कहते हैं सेकेंड डिग्री। थर्ड जो आपका होगा, जब कभी सबक्यूटेनियस जो लेयर हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, तब उसको हम क्या कहेंगे, थर्ड डिग्री बर्न कहेंगे, जहाँ पर कोई भी पेन का सेंसेशन नहीं होगा। तो आपका फर्स्ट डिग्री बर्न क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब कभी भी आपका आउटर मोस्ट लेयर मीन्स एपिडर्मिस बर्न होगा, ठीक है, इसके बारे में हमने अच्छे से देखा भी, ओके। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ 20 MCQ इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पर हमने डिस्कस किया। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके HACCP से, क्योंकि HACCP आपका बहुत ही सिंपल और क्या कह सकते हैं, ईजी यहाँ पर से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, इजी सब्जेक्ट है। तो इसी प्रकार के कुछ जनरल नॉलेज की, जैसे कि फर्स्ट एड के बारे में आपको जरूर से जानना चाहिए, फार्मासिस्ट हैं तो इनसे क्वेश्चन आएंगे, कुछ डेमोग्राफिक साइकिल से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, कुछ विटामिन न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए, इसके नेक्स्ट पार्ट में और कुछ क्वेश्चन हम HACCP के डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल दी बेस्ट।